हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, सैमसंग गैलेक्सी में आपको गुडलक का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर एक ऐप होती है, एक मॉड्यूल होता है, जिसका नाम है एज लाइट प्लस, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया। नया अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस किए गए और क्या क्या नया एड ऑन किया गया, सब मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेने। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की जो एज लाइटिंग वाली ऐप होती है, उसके नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पर। गैलेक्सी स्टोर में जाकर देखेंगे तो आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा एज लाइटिंग प्लस के अंदर। आप देख सकते हैं ये अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा अपडेट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 12 मार्च को, जो कि मेरे पास आज ही के दिन आया है। क्योंकि आपको बताया कि सबसे पहले प्रीमियम फोन्स में आता है, फिर मिड रेंज में और सबसे लोअर में अब आता है। तो शायद A52 सब लोअर में आने लगा हो, तो मेरे पास अभी अपडेट आया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर दो नए चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि फिक्स अ प्रॉब्लम दैट डिड नॉट टर्न ऑफ आफ्टर एक्टिवेटिंग द ऐप। मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसको बंद करने के बाद एक्टिवेट नहीं हो रही थी कोई ऐप, तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व कर दी गई है। साथ में इम्प्रूवमेंट द इश्यूज वेयर आर द रोटेशन इफेक्ट वाज इनकरेक्टली अप्लाइड। तो क्या हो रहा था, कहीं पर ऑटोमेटिकली रोटेशन वाला इफेक्ट ना बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो रहा था और कभी भी काम करने लग रहा था, उसको यहाँ पर एक्टिफिकेशन कर दिया गया। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, एक्यूरेसी को बढ़ाया गया और ओवरऑल को सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया। क्या यूज़ करते हैं इसका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इसको आपको कर लेना है गुडलक वाली ऐप में आपको चले जाना है आगे बढ़ने से पहले, इतना आगे बढ़ने से पहले। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यार, ये भी ज़रूरी है। गुडलक वाली ऐप के अंदर जाने के बाद आपको जाना है वहाँ पर एज लाइटिंग वाले सेक्शन में, जो कि आपको मिलेगा मेकअप के अंदर सबसे लास्ट में मिल जाएगा एज लाइटिंग। एज लाइटिंग वाला मतलब कि ये आप लाइटिंग का इफेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी उसके अंदर आप लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के सबसे ऊपर मिलेगा सेट कस्टम स्टाइल। तो यहाँ पर लाइक आपने चूज़ कर लिया कि जब भी कोई मेरे पास नोटिफिकेशन आए या जब भी कोई मैसेज आए तो उसके जो इफेक्ट्स आए ना, ऐसे दिल आए जब भी वो मैसेज आए, और वो दिल कौन से कलर में हो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो उसका फॉन्ट के कलर है वो क्या हो। उसके बाद एडवांस दिल के अलावा अगर आप और कुछ चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया स्टाइल बाय कीवर्ड। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा कीवर्ड जिस कीवर्ड के अंदर कोई मैसेज आए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है कि सनी के नाम से जब भी कीवर्ड आएगा तो उसके अंदर अलग से इफेक्ट आएगा। तो अगर आप भी कुछ चाहते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया हाय नाम से कुछ आए, तो नोटिफिकेशन स्टाइल में यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको क्या है, जैसे कि कोई हाय आएगा तो उस तरीके से वार्निंग के जैसा निशान दिखा देगा। तो ये दो इफेक्ट मैंने डाल दिए, जब भी कोई कंटेंट आएगा वो ऑटोमेटिक दिखा देगा। शो ऐप आइकन इंसेंट ऑफ कस्टमर स्टाइल इमेज, जब भी कोई मैसेज आएगा तो वो वहाँ पर ऐप आइकन की जगह वहाँ पर डायरेक्टली मुझे इमेज ही दिखा देगा कि इमेज में क्या है। मतलब किसी ने कोई फ़ोटो भेजी हो तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन में यूँ करके ही देख सकते हैं उसने क्या भेजा है। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं डायरेक्टली जाके चेक करना पड़ेगा कि उसने कौन सी इमेज भेजी। आप नोटिफिकेशन के अंदर ही डायरेक्टली वहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद ओनली अवेलेबल व्हेन द स्क्रीन इज टर्न ऑफ। तो इसमें क्या होगा कि जब भी ये काम करे, जब आपका मोबाइल बंद हो मतलब लॉक हो, तभी आपका इफेक्ट काम करे, जिससे बैटरी कम आएगी, तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा डबल टैप टू ओपन ऐप, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया डबल टैप टू ब्रीफ पॉपअप नोटिफिकेशन टू व्हेन व्यू द नोटिफिकेशन। मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी अगर उस पर आप डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉपअप में खुल जाएगी, आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी कमाल का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है प्रिवेंट स्वाइप डाउन। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर देखेंगे हाई का मैसेज आएगा और वो हाय आने के बाद उसकी नोटिफिकेशन आप देखेंगे ऐसा आ रही है। जैसे कि मैंने कस्टम ऐप में क्या रखा है, ऐप का लोगो डाल दिया है। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पर ऐप का नोटिफिकेशन आपको नीचे ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा है, ये आप देख रहे हैं ऐप की नोटिफिकेशन आपको आती हुई दिख रही है। इनसेट मैंने उस नोटिफिकेशन की जगह ऐप की नोटिफिकेशन सेट कर दिया है कि जब भी कोई मैसेज आएगा तो उस ऐप की नोटिफिकेशन मुझे ब्रीफिंग करके मिले। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं शो ऐप आइकन इंस्टेड ऑफ कस्टम स्टाइल इमेज। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इमेज नॉर्मल आएगी। अब देखेंगे, जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हैं ऐसा आ गया, जो इफेक्ट नॉर्मल डले हुए थे वो आ गए। और अगर मैं हाई लिखूँ सिंपल में तो सिंपल में जो इफेक्ट डला हुआ था वो आ जाएगा। जैसे मान लो ये हाई लिखा मैंने, तो हाई जो नॉर्मल लिखा था वो आ गया है। अब मैं इसे सनी लिखूँ,
आप देख सकते हैं मैंने सनी लिखा तो उसके लफ्ज़ से अलग इफ़ेक्ट्स आ गए हम देख सकते हैं। और अगर आप सीधा वो आप ऐप का वो चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है तो ऐप का इफेक्ट ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से वो फीचर काम करता है और बहुत ही शानदार है, मुझे तो ये फीचर बहुत पसंद है और ये बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नए चैनल पर ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।